स्वागत है आपका हमारे चैनल हिम आयुर्वेद में। आज हम बात करेंगे नाक का बहना सर्दी जुखाम से राहत पाने के घरेलू उपायों के बारे में। जुखाम से पीड़ित होने के कई कारण हो सकते हैं। मौसम में बदलाव होने पर कई लोगों को जुखाम हो जाती है, तो अनेक लोग अधिक ठंडी चीज खाने, नमी युक्त वातावरण में रहने से भी जुखाम से ग्रसित हो जाते हैं। आमतौर पर जुखाम होने पर लोग सीधे एलोपैथिक दवा का प्रयोग करने लगते हैं, लेकिन आप जुखाम का इलाज घरेलू उपायों से भी कर सकते हैं। एक दो नहीं बल्कि अनेक ऐसे घरेलू नुस्खे हैं जिनसे आप जुखाम से राहत पा सकते हैं। साथ ही यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही अलार्म वाले बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि इससे संबंधित नई नई जानकारियां आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। आइए अब बात करते हैं विस्तार से। नाक का बहना और जुखाम का घरेलू इलाज करने के लिए अपनाएं या घरेलू उपाय। हल्दी और दूध से जुखाम का इलाज। एक गिलास गर्म दूध में 2 चम्मच हल्दी पाउडर डालकर पिएं। इससे बंद नाक और गले की खराश में आराम मिलता है। नाक से पानी का बहना भी बंद हो जाता है। तुलसी के सेवन से जुखाम का उपचार। जुखाम में तुलसी अमृत के समान फल देती है। खांसी और जुखाम होने पर 5 या 7 पत्तियों को पीसकर पानी में डालकर इसका काढ़ा बना लें और इस काढ़े का नियमित सेवन करें। नाक बंद होने पर तुलसी की मंजरियों को रुमाल में सूंघने से नाक खुल जाती है, जिससे आपको जुखाम की समस्या से छुटकारा मिल जाता है। छोटे बच्चों में जुखाम होने पर 6 या 7 बूंदें अदरक एवं तुलसी का रस शहद में मिलाकर बच्चे को चटाएं। इससे बच्चे की नाक खुल जाएगी। जुखाम का घरेलू इलाज मेथी और अलसी से। मेथी और अलसी को 3-4 ग्राम की मात्रा में लेकर 1 गिलास पानी में अच्छी तरह से उबाल लें। जब अच्छी तरह से यह उबल जाए तब इसकी 3 या 4 बूंदों को नाक के दोनों छिद्रों में डाल लें। इससे जुखाम में आराम मिलता है। जुखाम का घरेलू इलाज हल्दी और अजवाइन से। 10 ग्राम हल्दी और 10 ग्राम अजवाइन को 1 कप पानी में डालकर अच्छी तरह से पका लें। जब पानी आधा रह जाए तब इसमें थोड़ा सा गुड़ मिलाकर पिएं। इससे जुखाम में तुरंत आराम मिलता है और बंद नाक भी खुल जाती है। काली मिर्च का प्रयोग जुखाम में होता है लाभदायक। काली मिर्च के चूर्ण को शहद के साथ चाटने से जुखाम में आराम मिलता है और बंद नाक भी खुल जाती है। 1/2 चम्मच काली मिर्च का चूर्ण और 1 चम्मच मिश्री मिलाकर 1 गिलास गर्म दूध के साथ दिन में 2 बार पिएं। इससे आपको काफी लाभ मिलेगा। सरसों का तेल जुखाम में होता है फायदेमंद। सोते समय दोनों नाक के दोनों छिद्रों में 2-2 बूंदे बादाम रोगन या सरसों की तेल की डालकर सोएं। इससे नाक का किसी भी प्रकार का रोग ठीक हो जाता है। अदरक के प्रयोग से जुखाम में होता है लाभ। कफयुक्त खांसी में दूध में अदरक उबालकर पिएं। अदरक के रस में शहद मिलाकर चाटने से भी जुखाम की समस्या से राहत मिलती है। 1 या 2 अदरक के छोटे छोटे टुकड़े, 2 काली मिर्च, 4 लौंग और 5 या 7 तुलसी की ताजी पत्तियां पीसकर 1 गिलास पानी में अच्छी तरह से उबाल लें। जब यह उबलकर 1/2 गिलास रह जाए तब इसमें 1 चम्मच शहद मिलाकर पिएं। इससे आपको काफी लाभ मिलेगा। अदरक के छोटे छोटे टुकड़ों को देसी घी में भूनकर दिन में 3 या 4 बार पीसकर खाएं। इससे नाक से पानी बहने की समस्या समाप्त हो जाती है। जुखाम में फायदा पहुंचाता है लहसुन। लहसुन में एलिसिन नामक रसायन होता है जो एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल, एंटीफंगल होता है। यह सर्दी जुखाम के इन्फेक्शन को दूर करता है। इसके लिए 4 या 5 लहसुन की कलियों को घी में भूनकर खाने से काफी लाभ मिलता है। गाय के घी से जुखाम में होता है आराम। गाय का शुद्ध देसी घी को पिघलाकर 2 बूंद सुबह नाक में डालें। ऐसा नियमित रूप से 2 या 3 महीने तक करें। पुराने से पुराना जुखाम भी ठीक हो जाता है। जुखाम में मुनक्के के हैं लाभ।
7 या 8 मुनक्के पानी में डालकर उबाल लें। जब पानी आधा रह जाए तब मुनक्के निकालकर खाएं और पानी को भी पी लें। इससे बहती नाक की समस्या से आराम मिलता है। जुखाम से राहत पाने के लिए अन्य घरेलू नुस्खे। सौंठ, छोटी पीपल और छोटी इलायची के बीज को 4-4 ग्राम की मात्रा में लेकर गुड़ के साथ पीस लें। इसकी 1-1 ग्राम की छोटी गोलियां बना लें। 1-1 गोली रात में सोने से पहले गुनगुने पानी के साथ लेने से जुखाम ठीक हो जाता है। दोनों नासिकाओं में ताजा गौमूत्र की 2-2 बूंदें सुबह शाम डालने से भी इस समस्या से छुटकारा मिल जाता है। जुखाम में आपका खानपान क्या होना चाहिए? जुखाम के दौरान आपका खानपान ऐसा होना चाहिए जैसे आधा चम्मच मूली के बीजों का चूर्ण शहद के साथ चाटें, पके हुए अमरूद को उपलों की आग में हल्का भूनकर खाएं। इससे आपको काफी आराम मिलेगा। जीरे का चूर्ण घी और शक्कर के साथ मिलाकर खाने से भी काफी लाभ मिलता है। जायफल को पीसकर इसकी 1 चुटकी की मात्रा को दूध में मिलाकर पिएं। गुड़, घी और सौंठ को समान मात्रा में लेकर मिला लें। इसे गर्म करके रात को सोते वक्त 1 चम्मच की मात्रा में लें। इससे आपको काफी लाभ मिलेगा। दोस्तों, यदि हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो उसे अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वह भी इस जानकारी का लाभ उठा सकें। दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में फिर मुलाकात होगी एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।